स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। बिहार बोर्ड की 12th की रिजल्ट को लेकर बहुत दिनों से जो है बहुत हलचल चल रही थी। सबका था कि कब आएगा। बहुत सारे फेक न्यूज जो है आ रहे थे कि रिजल्ट आ गया। बच्चे काफी परेशान थे इस बात को लेके और रिजल्ट आ नहीं रहा था। एक जो है कयास लगाया जा रहा था कि होली के पहले आ जाएगा और यह भी कयास लगाया जा रहा था, बहुत सारे लोग यह भी कह रहे थे कि 20 मार्च तक जो है बिहार बोर्ड 12th का रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन अब जो है आज 8:27 पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के जो अध्यक्ष हैं श्री आनंद किशोर जी, इन्होंने 8:27 पे यह ट्वीट किया है कि बिहार बोर्ड का रिजल्ट जो है वह आने वाला है। अब सवाल यह है कि कब आने वाला है, तो इन्होंने बाकायदा यह बताया है कि 23 मार्च 2024 को अपराहन 1:30 बजे, यानी कि 23 मार्च को, यानी कि कल जो है 1:30 बजे आप लोगों के 12th का रिजल्ट आने वाला है। इंतजार खत्म हो गया। आप सभी को मेरी तरफ से, सक्षम पाठशाला की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। रिजल्ट परिणाम हमारा जो है भविष्य जो नहीं बताती है। कल रिजल्ट ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे और कभी आपको यह भी लग सकता है कि जो परिणाम है वो मेरे मन माफिक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जैसा मैं चाहता था वैसा मुझे रिजल्ट नहीं मिला, या जैसा मैं चाहती थी जितने अंक मैं चाहती थी उतने अंक नहीं मिले, तो निराश नहीं होना है। यह परिणाम है, यह 12th का परिणाम है और यह आपकी जो जिंदगी है, जो जर्नी ऑफ लाइफ है आपकी, उसको डिफाइन नहीं करता, उसको डिसाइड नहीं करता है, उसका निर्णय यह नहीं करता है। तो निराश नहीं होना है, अपने आप को फिर से पुनः जो है अपने आप को ऊर्जावान बनाना है और अग्रसर हो जाना है एक नए सफर के लिए, जिसे आपने सोचा है कि मुझे वह काम करना है, वह सफर तय करना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से, कौशल सर की तरफ से और हमारी पूरी सक्षम पाठशाला की टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। परीक्षा का जो परिणाम है वो आप लोगों का सुखद हो, खुशनुमा हो, ऐसा हम सबकी आशाएं हैं। निराश नहीं होना है, हमेशा ऊर्जावान बने रहना है। एक बार फिर से आप सभी को परीक्षा की परिणाम की शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि। ऑल द बेस्ट।